नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भौदलिया है और आज हम लोग पाइथन पांडास में पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि पाइथन पांडास क्या होता है, पाइथन पांडास के साथ नंपाई कैसे काम करता है और नंपाई में हम लोग एरे कैसे बनाते हैं, पाइथन पांडास के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जाना और उसमें हमने सीरीज़ के बारे में अच्छे से जाना कि सीरीज़ कैसे बनाते हैं और नंपाई में एरे कैसे डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी सीरीज़ है वो वन डायमेंशनल डेटा को हैंडल करने में सक्षम है, लेकिन जब हमें टू डायमेंशनल डेटा की बात करें या थ्री डायमेंशनल डेटा की बात करें तो हमको दूसरे ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि पांडास के अंतर्गत ही आते हैं। तो पांडास के अंतर्गत डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर 2D हेट्रोजेनस डेटा को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम का प्रयोग करते हैं, और 3D हेट्रोजेनस डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग पैनल्स का प्रयोग करते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग जानेंगे डेटा फ्रेम के बारे में। थोड़ा सा बड़ा अध्याय है तो धैर्य के साथ थोड़ा सा इसको सीखते जाइए, क्योंकि इस डेटा फ्रेम पे काम करना बहुत आसान होता है। जैसे कि सीरीज़ में देखा था वो भी आसान था, ये हमारा डेटा फ्रेम भी बहुत आसान है। तो इस अध्याय में हम पूरी तरीके से बात करेंगे डेटा फ्रेम के बारे में कि कैसे हम इनके टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हैंडल करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डेटा फ्रेम एक प्रकार का कह लीजिए पांडा का स्ट्रक्चर होता है, और जो डेटा को अपने अंदर टू डायमेंशनल के रूप में के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और ये एक प्रकार से कह लीजिए टू डायमेंशनल लेबल्ड एरे होता है जिसमें कॉलम का भी लेबल होता है और रो का भी लेबल होता है। रो के जो लेबल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स, रो इंडेक्स, और जो कॉलम के जो लेबल होते हैं उनको कहते हैं हम लोग कॉलम नेम। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि ये स्प्रेडशीट जैसा होता है जिसमें दो डायमेंशनल एरे आपका बना रहता है, जो बगल में आपको ये फिगर दिख रहा है। इसमें ये हो गए कॉलम नेम और ये हो गए हमारे रो के नाम, क्लियर है। अगर मुझे इस सेल को एड्रेस करना है तो मैं इसको बुलाऊंगा, अगर मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम ए रखा हुआ है तो ये हो गया ए, रो के सामने 2 और कॉलम के सामने 1, तो रो 2 और 1। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा रो 1 4, यानी रो हमारी 1 होगी और कॉलम होगा 4, तो A14 इसको हम बुलाएंगे इस वाले सेल को। तो जो कॉलम का जो इंडेक्स है, चाहे रो का इंडेक्स हो, वो हमेशा 0 से शुरू होगा और n-1 तक जाएगा। और इसमें ये जो कॉलम के नाम है और रो के नाम है, ज़रूरी नहीं कि फिक्स है 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में, इनको हम जब चाहे तब बदल सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि 0 से शुरू करें, हम चाहे जहाँ से शुरू कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम रो का नाम क्या देते हैं और कॉलम का नाम क्या देते हैं। तो डेटा फ्रेम की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि 2 इंडेक्सेस होती हैं, या कह लीजिए 2 एक्सेस होती हैं, और स्प्रेडशीट की जैसी होती है जिसमें रो इंडेक्स को इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को हम लोग कॉलम नेम कहते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इंडेक्सेस किसी से भी बनाई जा सकती है, न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लेटर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है और किसी भी कॉलम में किसी भी प्रकार का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। कैसी होती हैं? इसकी सारी वैल्यूज म्यूटेबल होती हैं, आप चाहे जब इसको चेंज कर सकते हैं, और डेटा फ्रेम का साइज भी म्यूटेबल होता है, हम जब चाहें तब इनके रो और कॉलम की संख्या घटाई और बढ़ा सकते हैं। यानी हमारा जो डेटा फ्रेम है वो पूरी तरीके से म्यूटेबल होता है। डेटा फ्रेम को बनाने के लिए आप इस जरा इस पर गौर करिए, ये जो आपके सामने फॉर्मूला रखा है, यहां पर हम डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट कोई भी अपनी तरफ से नाम दे देंगे, इक्वल टू पीडी। ये पीडी देखिए आपने जो इंपोर्ट किया है पांडास, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये हमने सीरीज में भी जब देखा था तब इस तरीके से एक इसका नेम स्पेस बनाया था। ये कह लीजिए कि हम पीडी का यूज़ करके फिर हम पांडास के सारे एक्सेस जो फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करेंगे। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डी कैपिटल और एफ कैपिटल, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटे नहीं होंगे वरना डेटा फ्रेम बनेगा नहीं। यहाँ पर हम कोई भी 2D डेटा स्ट्रक्चर दे देंगे, चाहे सीरीज दे दें, चाहे आपका कुछ भी दे दें जो 2D फॉर्म में हम इसको डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर कॉलम के नाम दे सकते हैं, अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, तो सिस्टम हमारा 0 से लेकर n-1 तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। इंडेक्स दे सकते हैं, जिसे हम लोग रो इंडेक्स बोलते हैं, अगर हम नहीं देंगे ये तो वो 0 से लेकर n-1 तक देगा, अदरवाइज जो भी हम यहाँ लिस्ट इसकी दे देंगे उसको ये सेट कर देगा।
तो डेटा फ्रेम में आप कई तरीके से डेटा वैल्यू को पास कर सकते हैं। इस जगह जो ये जो मैं बात कर रहा था, इस जगह आप क्या क्या दे सकते हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। 2D डिक्शनरी दे सकते हैं, NDRA दे सकते हैं, 2 डायमेंशनल में सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, या कोई दूसरे तरीके का डेटा फ्रेम या दूसरा डेटा फ्रेम दे सकते हैं, उससे हम एक नया डेटा फ्रेम तैयार कर सकते हैं। 2D डिक्शनरी से सबसे पहले हम लोग डेटा फ्रेम बनाकर देखते हैं 2D डिक्शनरी से। तो चलिए डिक्शनरी बनाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट पांडाज एज PD किया हुआ है, फिर DICT एक डिक्शनरी बनाई गई है जहाँ पर स्टूडेंट्स की हो गया और ये उसकी वैल्यूज़ हो गई है, मतलब लिस्ट के फॉर्म में दे दी। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग मार्क्स की हो गया और उसके मार्क्स दे दिए। स्पोर्ट्स की हो गया और उसके ये हमने उनके फेवरेट स्पोर्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर इस डिक्शनरी को हमने पास कर दिया डेटा फ्रेम में, और जब हम इस DTF को प्रिंट करके देखेंगे तो हमको ये इस तरीके से दिख जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इम्पोर्ट पांडाज एज PD, ये किया, इम्पोर्ट हो गई फाइल। अब हमने मॉड्यूल इम्पोर्ट हो गया, अब हमने डिक्ट इक्वल टू लिखा यहाँ पर, ये डिक्शनरी बना रहे हैं। डिक्शनरी में सबसे पहले था हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट में मैंने रखा किस किस को, ये इसका सिंगल कोट बंद किया और इसमें मैंने लिस्ट पास किए। लिस्ट में मैं 6 नाम दे दूंगा, या आप जितना भी देना चाहें, मेरे 6 बच्चे हैं तो मैं 6 नाम दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें सारे नाम मैं ऐसे ही दे देता हूँ। मान लीजिए प्रतिभा, ऋतिका, सौम्या, आर्यन, केशवम और प्रियंका। उसके बाद कॉमा करके अब मैंने दिए इनके मार्क्स, तो ये मार्क्स को मैंने की बनाया और इसकी वैल्यू में मैंने सेट कर दी फिर से एक लिस्ट। मार्क्स अपनी तरफ से कुछ भी दे देते हैं, 88, 87, 86, 85, 84, कितने 5 हो गए, एक और दे देते हैं 83, ये 6 मैंने मार्क्स दे दिए, यानी प्रतिभा के करस्पॉन्डिंग मार्क्स 88 माने जाएंगे, रितिका के 87, इस तरीके से मार्क्स मैंने दे दिए। कॉमा इनका फेवरेट स्पोर्ट्स भी दे देते हैं, और फेवरेट स्पोर्ट्स की भी मैंने लिस्ट बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप प्रतिभा ताइक्वांडो में अच्छी है, ये टेबल टेनिस में अच्छी है, ये कबड्डी में अच्छी है, ये आपका वॉलीबॉल में अच्छा है, ये क्रिकेट में अच्छा है, और ये खो खो में अच्छी है। मान लीजिए इस तरीके से दे दिया एक, ये हमारी बन गई डिक्शनरी, एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। DICT को मैं ऐसे प्रिंट करके देख लूँ तो ये इस तरीके से डिक्शनरी बन गई। अब इसको मुझे बदलना है 2D डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाने के लिए आप करेंगे DTF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, डी कैपिटल एफ कैपिटल, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने DICT को पास कर दिया, और देखिए मैंने रो और कॉलम के जो इंडेक्सेस हैं उनको नहीं दिया। तो जब मैं रो और कॉलम के इंडेक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर देखिएगा रो क्या होगा और कॉलम क्या होगा। DTF को जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए यहां जो कीज हैं, जो इनकी की थी डिक्शनरी की, वो तो बन गए हमारे कॉलम के नाम। बहुत गौर से देखिएगा, वो बन गए हमारे कॉलम के नाम, जिसे हम लोग कॉलम इंडेक्स कहेंगे। और चूंकि इसमें कोई हमने रो इंडेक्स नहीं बनाई थी, तो पाइथन ने बाय डिफॉल्ट उसको 0 से लेकर 5 तक, यानी 6 पर्सन है तो 6 के लिए 0 से लेकर 5 तक इसने अपना ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स है वो तैयार कर दिया। तो ये बन गया मेरा एक डेटा फ्रेम, जो कि हमारा 2D ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। और जो ये 0 से लेकर 5 तक इसने जो रो इंडेक्स तैयार किया है, उसको इसने np. जो numpy में एक a रेंज करके हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, उसका प्रयोग करके इसने सेट कर दिया होगा इंटरनली। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चूंकि मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में, देखिए मैंने DICT, सिर्फ DICT पास किया था, तो उसने क्या किया था, पीछे वापस चलते हैं। देखिए सिर्फ DICT देने से इसने क्या किया था, यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 को ये इस तरीके से सेट कर दिया था रो इंडेक्स। मैं चाहूँ तो अपना रो इंडेक्स अपने हिसाब से दे सकता हूँ। मैं इसको फिर से लेता हूँ और कॉमा करके मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ पर एक लिस्ट पास कर देता हूँ, 6 लिस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
और यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से दे देता हूँ। और इसको मैंने इंटर किया। अब मैं अगर DTF को प्रिंट करूं तो देखिए अंतर देखिए, यहां पर 0 1 2 3 4 5 था, यहां पर रोमन में आ गया क्योंकि मैंने इसका इंडेक्स यहां पर सेट कर दिया है। तो इंडेक्स सेट करना हो तो आप सेट कर सकते हैं इंडेक्स, कोई इसमें समस्या नहीं आती। तो अब आगे बढ़ते हैं, टू डायमेंशनल डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना। अब हम यहां पर देखेंगे टू डायमेंशनल डिक्शनरी से डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी तक जो मैंने डिक्शनरी ली थी वो वन डायमेंशनल थी, उससे मैंने डेटा फ्रेम बनाया था। अब हम लोग टू डायमेंशनल डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को बनाते हैं। देखिए टू डायमेंशनल यहाँ डिक्शनरी कहने का मतलब है कि डिक्शनरी की डिक्शनरी। देखिए सबसे पहले एक डिक्शनरी तैयार की, दूसरी डिक्शनरी ये तैयार की, तीसरी डिक्शनरी आपने ये तैयार की, फिर इन डिक्शनरीज का प्रयोग करके एक नई डिक्शनरी तैयार की। क्लियर है, ये डिक्शनरी की डिक्शनरी है। फिर उस डिक्शनरी से जो बड़ी डिक्शनरी बनी है उससे मैंने बनाया है अपना डेटा फ्रेम। क्लियर है, तो चलिए ये प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पहले से ही एक फाइल बना कर रखी है, कहाँ गया डिक्शनरी नहीं, ग्रेड भी नहीं, DTF डिक्शनरी नहीं, ये भी नहीं है, कंट्रोल ओ किया। यहाँ पर मैंने वेरिएबल ऑफ फॉर DTF ये मैंने बना कर रखा हुआ है इसको, सॉरी ये यहाँ से ओपन करते हैं। ये देखिए इसको मैं रन कर दूंगा तो ये मेरा डिक्शनरी इंटरनली चल जाएगा और ये डिक्शनरी मेरी तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसका देखिए डेटा फ्रेम भी बना कर रखा हुआ है, तो मैं जस्ट इसको रन कर दूंगा तो DTF में देखिए क्या आएगा। मैं इसको सीधे रन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम टाइप करने में टाइम ज़्यादा जाता है, तो मैंने इसको पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। मैं इसको रन करता हूँ F5 करके, बन गया मेरा। पीछे मैं नाम देख लेता हूँ क्या रखा था, DTFEE, तो DTFEE इसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो देखिएगा इस तरीके से आएगा DTFEE। ये देखिए, तो इसको देखिए गौर से, ये एक डिक्शनरी बनी, ये दूसरी डिक्शनरी बनी, ये तीसरी डिक्शनरी बनी, फिर इनका प्रयोग करके मैंने डिक्शनरी की डिक्शनरी बनाई जिसको KVFE नाम दिया, और KVFE को मैंने पास कर दिया डेटा फ्रेम में, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया इस तरीके से। तो टाइप करने से बच गए क्योंकि मैं पहले से इसको बना कर रखा हुआ था, इसकी एक स्क्रिप्टिंग फाइल बना कर रखी थी, यही फायदा होता है स्क्रिप्टिंग फाइल का। अब हम लोग देखते हैं एनडी एरे, यानी नंपाई से पहले एरे बनाएंगे और एरे से फिर हम लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो यहां गौर से देखिएगा, numpy को इम्पोर्ट किया और उसके बाद np.array करके इन्होंने टू डायमेंशनल एरे, मतलब है तो ही सिंगल डायमेंशनल एरे, कि एक लिस्ट की लिस्ट बनाई है। देखिए इस लिस्ट में एक बड़ी लिस्ट में एक छोटी छोटी दो लिस्ट पास की है, तो इसको ये मान लिया कि हमारी पहली रो हो गई है, हमारी दूसरी रो हो गई, तो इसके थ्रू हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं। चलिए ये तो आसान है, इसको तो अभी यहीं कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट तो हालांकि कर चुके हैं हम लोग पांडास को, चाहे तो फिर भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट पांडास एस PD, फिर इम्पोर्ट numpy एस NP। ये करने के बाद हमने एक एरे बनाया ARR=np.array, ब्रैकेट के अंदर हमने पास किया लिस्ट और लिस्ट के अंदर भी दो छोटी छोटी लिस्ट, यहाँ पर दिया 1, 2, 3 और यहाँ पर दे दिया 4, 5, 6। ठीक है, और इसके बाद हम एरे में ये भी पास कर सकते हैं कि हमारा इसका टाइप क्या हो, तो उस टाइप के लिए आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने पीछे एरे पढ़ा था, np.int32 हम इसमें पास कर देते हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर टाइप भी डिफाइंड हो गया। एंटर किया, ARR को देखेंगे तो हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं ARR.shape को कॉल करके देखूंगा तो ये 2, 3 के फॉर्म में दिखाएगा। अब इससे मैं बनाता हूं डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए आपने फिर से लिखा DT=PD.DataFrame और यहां पास कर दिया मैंने डेटा फ्रेम के अंदर ARR को, तो देखिए हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अब मैं DT करके इसको जब प्रिंट करूंगा तो क्या दिखेगा मुझको, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो ये वाला 0, 1, 2 और ये वाला 0, 1, 2 है
ये वाला 01, ये हमारा बाय डिफॉल्ट इसने बना, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे के साथ में इंडेक्स तो दिया नहीं है, ना रो का इंडेक्स दिया ना कॉलम का इंडेक्स दिया, तो उसने बाय डिफॉल्ट अपना इंटीजर वाला इंडेक्स ए रेंज की सहायता से बनाकर इसने फिक्स कर दिया। अब यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि इसको लेते हैं और यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं, इंडेक्स इक्वल टू एक लिस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि इंडेक्स दे रहे हैं तो ये हमारी रो की इंडेक्स बनेगी, रो की इंडेक्स हम दो रख देते हैं, ए और बी, इसको मैंने एंटर किया। इसके बाद डी टी को जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए ए बी हमको यहाँ दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये दिख रहे हैं आपको, ये रो का इंडेक्स बन गया। अब मैं फिर से इसको लेता हूँ और यहाँ कॉलम कॉमा करके सी ओ एल यू एम एन एस कॉलम्स इक्वल टू यहाँ पर भी लिस्ट पास कर देता हूँ, और चूंकि तीन कॉलम है हमारे पास तो एक दो तीन, पहले वाले में मैं दे देता हूँ 1, दूसरे वाले में दे देता हूँ 2 और इस वाले में दे देता हूँ 3। तो ये एंटर करने का, जब मैं डी टी को क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर का जो 012 आ रहा है, ये वाला 012 इसकी जगह क्या आ जाएगा 123। तो हम जब चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से इनका रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट की सहायता से कैसे हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं, सीरीज की सहायता से कैसे डेटा फ्रेम बनाएंगे, क्लियर है। सीरीज आपको ध्यान होगा इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सीरीज हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है, क्या बताया था, सीरीज हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है। अब हम दो सीरीज बनाएंगे और दोनों सीरीज से हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने इंपोर्ट पांडास पीडी किया, पॉपुलेशन नाम से एक सीरीज बनाई, देखिए इस तरीके से, फिर मैंने एवरेज मार्क्स के एक सीरीज बनाई इस तरीके से, फिर मैंने क्या किया एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने जीरो की के साथ पॉपुलेशन दे दिया, यानी कि इस पॉपुलेशन में जितना भी चीज़ है वो जीरो की के साथ वैल्यू बन गई, फिर की वन के साथ इसका एवरेज मार्क्स की एक वैल्यू बन गई। उसके बाद मैंने इस डिक्शनरी को क्या किया इस डेटा फ्रेम में पास कर दिया, ये तो आसान है। और नीचे क्या किया हुआ है, उसी डिक्शनरी में हमने जो जीरो यहाँ पर जो जीरो दे रखा हुआ था, इसको गौर से देखिएगा, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ, इसको गौर से देखिएगा, इस जीरो की जगह और इस वन की जगह पे यहाँ अपन ने दे रखा है पॉपुलेशन और एवरेज मार्क्स, ये हमने दे दिया एक तरीके से की को टेक्स्ट के फॉर्म में दे दिया बस। तो यहाँ पर जो पहले जीरो और वन प्रिंट हो रहा था कॉलम नेम में, यहाँ पर अब पॉपुलेशन और एवरेज मार्क्स प्रिंट होगा। तो हम डायरेक्ट यही बनाकर देखते, तो आइए वापस से अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पॉपुलेशन, चूंकि हम लोग पांडास को पहले से ही इंपोर्ट कर चुके हैं इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे। पॉपुलेशन इक्वल टू सीरीज कैसे बनानी है, पी डी डॉट एस कैपिटल सीरीज। अब सीरीज में हमने ब्रैकेट के अंदर पास की लिस्ट, अब इस लिस्ट में हमने कहा कि हमारे क्लास 12th में मान लीजिए 45 बच्चे हैं और इसमें 34 फिर 54 और फिर 49 बच्चे, हमने ये चार क्लासेस ले ली, ठीक है, और फिर कॉमा करके हमने यहाँ पर इसका दे दिया इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब कौन कौन सी क्लासेस के लिए हम इसको बुक करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर चार क्लासेस दे दी 1, 2, 3, 4। अब मैं क्लास नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे 12th, 11th, 10th और 9th दे दिया इस तरीके से, क्लियर है। तो ये पॉपुलेशन बन गया, पॉपुलेशन के बाद मैं ए वी जी मार्क्स ले लेता हूँ, एक और सीरीज बनाता हूँ पी डी डॉट सीरीज, ठीक है, इसमें फिर से मैं एवरेज मार्क्स की लिस्ट दे दूंगा, एवरेज मार्क्स की लिस्ट मान लीजिए दे देता हूँ कि 12th क्लास में 350, 345, 347, 390 और फिर कॉमा करके मैं यहाँ पर दे दिया इंडेक्स इक्वल टू, फिर यहाँ पर चार की लिस्ट बना दूंगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर फिर से मैं दे देता हूँ 12th, 11th, 10th, 9th। अब मैं पॉपुलेशन को देखूँ तो मुझे ये दिखाई देगा, अगर मैं एवरेज मार्क्स को देखूँ तो मुझे ये दिखाई देगा। अब इन दोनों सीरीज की वजह की सहायता से मैं बनाऊंगा अब डेटा फ्रेम, तो उसके पहले मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ इक्वल टू
डिक्शनरी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं बार बार DICT ले रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, ये तो वेरिएबल्स हैं, एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया पॉपुलेशन, तो यहाँ पर PUPULATION पॉपुलेशन लिया, इसके साथ मैंने रख दिया पॉपुलेशन। देखिए ये पॉपुलेशन हमारा नाम की कहलाएगा जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, और ये पॉपुलेशन देखिए वैल्यू कहलाएगी जो कि हमारे एक क्या बोलते हैं उसको सीरीज के नाम की है, कॉमा। अब मैं बनाऊंगा एवरेज मार्क्स, सिर्फ एवरेज लिख देता हूँ, काम चल जाएगा, कॉमा कॉलम, कॉमा नहीं कॉलन, इसमें फिर मैं रखूंगा AVGMARKS, इस तरीके से ये मेरी डिक्शनरी बन गई। अब मैं अगर DICT को प्रिंट करके देखूँ तो इस तरीके से दिखाई देगा, ये डिक्शनरी बनी। लेकिन मुझे बनाना है डेटा फ्रेम, तो मैंने DTF इक्वल टू बनाया PT.DataFrame और इसमें मैंने पास कर दिया DICT को, एंटर। अब आप DTF को देखिए क्या बनता है, ये देखिए बन गया आपका डेटा फ्रेम। यहां पर चूंकि कॉलम के नाम दोनों में सेम थे, जो रो के नाम है वो सब में सेम थे, 12th, 11th, 12th, 9th और 10th, तो वो यहां पर बन गया रो इंडेक्स, और जो हमारा ये जो मैंने दिया था ये बन गया की हमारी बन गई कॉलम इंडेक्स। इस प्रकार से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट की सहायता से, सीरीज से पहले डिक्शनरी बनाएंगे और फिर डिक्शनरी से हम लोग बना देंगे डेटा फ्रेम, वेरी इजी। अब बात आती है दूसरे डेटा फ्रेम से नया डेटा फ्रेम बनाना, ये भी आसान है, इसको भी करके देख लेते हैं। अभी मान लीजिए आपने DTF बनाया, इस DTF से मैं दूसरा डेटा फ्रेम बनाता हूँ, मान लीजिए DTF2 बनाता हूँ इक्वल टू PT.DataFrame और उसमें मैं पास कर देता हूँ DTF को, बन गया DTF2 को जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये दिखाई देगा, यानी एक डेटा फ्रेम से मैं दूसरा डेटा फ्रेम भी आराम से बना सकता हूँ। और इसके बाद डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है, वो तो तब से मैं लगातार करते ही चला रहा हूँ, बस खाली आपको उस डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, वो अपने आप प्रिंट हो जाती है, कोई समस्या नहीं है। डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को आप आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं, इसके लिए तो मैं जितने अभी तक प्रोग्राम बनाया हूँ हर बार डेटा फ्रेम को प्रिंट करना ही है, सिर्फ DTF लिखना है। DTF कोई कीवर्ड नहीं है, यूजर डिफाइंड जो हमने वेरिएबल लिया है, ये DTF हमने यूजर डिफाइंड लिया, मैंने अपनी तरफ से लिया है, DTF2 अपनी तरफ से लिया, आप जो भी लेना चाहें उसको बस खाली लिख दीजिए यहाँ पर, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्लियर है। और अगर आप स्क्रिप्टिंग में यूज करना चाह रहे हैं तो प्रिंट के साथ आप DTF दे दीजिए तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो जब हम इस प्रिंट कमांड का प्रयोग करेंगे तो हमेशा स्क्रिप्टिंग में यूज करेंगे, और नॉर्मली अगर हम लोग इंटरेक्शन मोड में यूज कर रहे हैं, इंटरेक्टिव मोड में यूज कर रहे हैं, तो सीधे DTF2 लिख देंगे आप, जो भी आपके डेटा फ्रेम का नाम है। तो आगे देखते हैं, डेटा फ्रेम के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा फ्रेम के साथ हम एट्रीब्यूट को कॉल करके उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे इंडेक्स हो गया, कॉलम हो गया, एक्सेस हो गया, डेटा टाइप हो गया, उसका साइज हो गया, शेप हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो एक एक करके आप इनको रन कर लेंगे तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं DTF.index करता हूँ तो सिर्फ ये इंडेक्स के नाम दिखाएगा, सिर्फ इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब रो इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स का मतलब रो इंडेक्स, ये देखिए। ऐसे ही मैं DTF के साथ अगर मैं COLUMNS मतलब टाइप करके एंटर करता हूँ तो मुझे सिर्फ कॉलम के नेम दिखाए गए, ये देखिए सिर्फ कॉलम के नेम दिखा रहे हैं। अगर मैं DTF के साथ AXES को टाइप करूँ तो देखिए दोनों चीज़ें दिखा दी, इसने हमको रो के नाम भी दिखा दिए और कॉलम के नाम भी दिखा दिए। तो आप अपने डेटा फ्रेम की जो जानकारी है वो इन एट्रीब्यूट्स की सहायता से निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने DTF.shape किया तो मुझे DTF.shape में मिल गया 4.2, यानी कि इसमें चार रो हैं और दो कॉलम हैं। तो इससे आप मतलब जितने भी ये आप एट्रीब्यूट्स हैं इनको एक एक करके चला के देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ है डेटा फ्रेम पे वर्क करना आना चाहिए, जो आप लोग अभी तक करना समझ गए होंगे। ये देखिए यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं किससे क्या दिखाई देगा। तो आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारे पोर्टल से, pythontrends.wordpress.com से, वहाँ से आपको ये पूरा मिल जाएगा। या आप इस जगह वीडियो को पॉज कर दीजिए आपको, और फिर इसको साइड में रख के आप बगल में चलाकर देख भी सकते हैं। अब है डेटा फ्रेम से हम डेटा को सिलेक्ट कैसे करेंगे और उनको एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। तो ये देखिए ये जो फर्स्ट करने से आपका पूरा डेटा फ्रेम एज इट इज प्रिंट हो जाता है,
DTF.first कर रहे हैं। ये एक तरीके से कह लीजिए इसका एक एट्रीब्यूट ही हो गया ये। तो मैं यहाँ पर DTF.first करता हूँ तो ये मुझे पूरा एक फ्रेम दिख जाए, डेटा फ्रेम हमारा दिख जाएगा। और अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है, मान लीजिए DTF में मैंने किया, तो मुझे एवरेज सिर्फ देखना है, पॉपुलेशन नहीं देखना है, तो मैं लिखूंगा DTF, मैंने लिखा DTF और ब्रैकेट में, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें दे दिया मैंने सिंगल कोट में AVER AGE एवरेज, और इसको एंटर किया। तो देखिए मुझे सिर्फ एवरेज दिख रहा है। अगर आपको सिर्फ एक आध ही कॉलम देखना हो या एक कॉलम का सेट देखना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कॉलम की वैल्यूज को निकाल सकता हूँ या कंप्लीट डेटा फ्रेम को देख सकता हूँ। डेटा फ्रेम से सबसेट को सिलेक्ट करना, तो DTF पहले देख लीजिए कि ये हमारा डेटा फ्रेम था। इसके थ्रू यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, मैं इस एग्जांपल पे काम नहीं करूँगा, अभी मैं उसी एग्जांपल पे काम करूँगा जिसका डेटा फ्रेम हमारे पास आसानी से अवेलेबल है, क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, .loc आप लगाएंगे, ये देखिए .loc, और उसमें आप रो और कॉलम को स्टार्टिंग पॉइंट से दे सकते हैं। देखिए स्टार्ट रो, एंड रो, स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम, आप जिसको चाहे स्किप भी कर सकते हैं। जिसको स्किप करेंगे तो उसके हिसाब से ही वो वर्क करेगा, जैसे कि हमने लिस्ट में स्लाइसिंग देखी थी और बाकी और जो हमारे सीक्वेंसेस थे उनमें जो स्लाइसिंग थी उसी तरीके से ये भी काम करती है। तो हम आइए इसी पे ही काम करते हैं। सबसे पहले देखें DTF में हमारे है क्या क्या। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ 11th का और 10th का देखना है, तो मैं लिखूंगा DTF.loc और इसमें पास कर दूंगा मैं सिर्फ सिंगल कोट में 11th, 10th। तो ये क्या करेगा, सॉरी गलती हो गई एक, कहाँ गया ये, फिर से मैं इसको यहाँ से लेकर नहीं पूरा टाइप करना पड़ता है। ये कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पर मुझे, ये इस तरीके से कोलन लगाना है। ये देखिए मैं वहाँ कॉमा लगा गया था, ये ध्यान रखिएगा स्लाइसिंग में कि कॉमा और कोलन का बहुत महत्व है। अच्छा हुआ कि एरर सामने आ गई, आप लोग भी इससे सीख गए होंगे कि अगर ये इस तरीके से मिस्टेक आ जाए तो हमको कहाँ सही करनी है। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ पॉपुलेशन देखना है तो आपने लिखा DTH LOC, तो हम क्या करेंगे, जो रो वाले, रो इंडेक्सेस वाले थे वहाँ एक कोलन लगा के छोड़ देंगे तो ये सारे रो दिखाएगा। उसके बाद हमको कॉलम सिर्फ एवरेज देखना है तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूँगा ऐसे AVER AGE एवरेज, और इसको मैंने इस तरीके से बंद कर दिया और कोलन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैंने एंटर किया। तो देखिए सिर्फ एवरेज दिखा, एवरेज से लेकर लास्ट में जितने भी कॉलम है वो आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। तो ये थी हमारी स्लाइसिंग, इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं डेटा फ्रेम के डेटा सेट के साथ। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हाथ में बस जाएगा ये। और डेटा फ्रेम से सबसेट को निकालना वो भी बिल्कुल सेम वही तरीका है कि आप LOC यूज कर रहे थे तो आपको नाम देना पड़ रहा था, ये नाम देना पड़ रहा था LOC में। ILOC में क्या है कि आपको नाम नहीं देना है, आपको वहां पर इंडेक्स देना है, 0 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक, इस तरीके से इंडेक्स देना है, ठीक है। भले ही इंडेक्स आपके डेटा फ्रेम में नहीं है बट यू कैन यूज दोज इंडेक्सेस विद ILOC, क्लियर है। और डेटा फ्रेम से अगर मुझे कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट निकालना हो, जैसे मान लीजिए DTF है, इंडिविजुअल एक वैल्यू निकालनी, मान लीजिए 347 निकालना है मुझे ये वाला, तो मैं इसके लिए कैसे लिखूंगा DTF, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, हाँ DTF.AVER AGE, और इसके साथ मैं स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर दूंगा 10th, ये देखिए। तो यहां पर ये क्या, ये इसकी एक प्रॉपर्टी टाइप की बन जाती है। आपने DTF.average किया और उसके साथ में ये वाला रो पास कर दिया तो हमको ये वैल्यू मिल जाती है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, got it? आप इसके साथ में इंडेक्स भी दे सकते हैं, मतलब अगर आप ये ना देना चाहें ए या बी में से, तो आप यहां पर 0 इंडेक्स दे दीजिए तब भी वही चीज आ जाएगी, क्लियर। डेटा फ्रेम से वैल्यूज को एक्सेस करना और उनको मॉडिफाई करना, अब मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे यहां पर ये 347 की जगह यहां पर करना है 340, 10th क्लास का एवरेज 340 करना है, 10th क्लास का एवरेज 340 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
TTF 4 340 एवरेज करना है, ठीक है। आपको यहां लिखना पड़ेगा DTF और ब्रैकेट के अंदर एवरेज इक्वल टू, ये इस तरीके से बंद करने का, इक्वल टू 340। तो यहां पर देखिए एवरेज वाले कॉलम में सभी का 340 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे करने से एवरेज वाले कॉलम में सभी का 340 आ जाएगा। ये देखिए, हम जब चाहे तब किसी भी कॉलम की वैल्यू या रो की वैल्यू इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब रो चेंज करना हो अगर आपको, तो रो चेंज करने का तरीका अलग है। रो में अगर आपको चेंज करना है तो आपको इस तरीके से देना पड़ेगा DTF.at और D आपने लगाया है और उसके साथ कॉमा करके पूरा कोलन, मतलब सारी वैल्यूज को ये 88 कर देगा। तो मैं मान लीजिए ये नीचे 9th की वैल्यू को यहाँ पर 49 हर एक को कर देता हूँ, 49 नहीं 50 कर देता हूँ हर एक को 9th की वैल्यूज को। तो मैं लिखूंगा DTF.at और मैंने यहाँ पर दिया 9th के बाद मैंने लगाया कॉमा और ये कोलन, ब्रैकेट बंद किया, इक्वल टू 50। अब मैं DTF को प्रिंट करूंगा, देखिए नीचे दोनों में 50 आ गया। तो ऐसे आप रो और कॉलम की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या कि एक सिंगल वैल्यू को चेंज करना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए अगर आपको एक सिंगल वैल्यू को चेंज करना है, ये DTF.3 इस तरीके से, तो हम इसमें चेंज करके देखते हैं। DTF.average ये 50 की जगह मैं कर देता हूं 350, है ना। DTF.average इसको मैं लिखता हूं DTF.average और फिर ब्रैकेट में मुझे देना पड़ेगा कि जिस एवरेज के उसमें किस जगह का, मान लीजिए 9th का बदलना है तो मैंने यहां पर दिया 9th। क्लियर है? और इसको दे दिया मैंने 350। तो अब DTF में देखिए सिर्फ इसका 350 हो गया। ऐसे ही मुझे अगर इसका बदलना है, ये 10th क्लास का एवरेज, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये एज इट इज रखूंगा और यहां पर 10th कर दूंगा और इसका एवरेज दे देता हूं मान लीजिए मैं 355। ये देखिए ये इसका 355 हो गया। अब मैं 11th का बदलूंगा, इसका कर देता हूं 360। देखिए DTF, ये इसका 360 हो गया, उसका 340 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज करना चाहते कर लीजिए। तो ऐसे हम सिंगल वैल्यूज को बदल सकते हैं। मतलब इसमें हमने देखा कि कैसे हम पूरी पूरी एक साथ कॉलम बदल देते हैं, कैसे हम पूरी पूरी एक साथ रो बदल देते हैं और कैसे हम एक इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमने इसको ये किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉलम को डिलीट करने के लिए एक जो सिंटैक्स यूज होता है वो डिलीट, यानी DEL। क्लियर है? मान लीजिए मैं यहां से 9th क्लास को डिलीट करना चाहता हूं, मैं यहां से 9th क्लास को डिलीट करना चाहता हूं, सॉरी कॉलम को करना है, तो एवरेज को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो एवरेज को डिलीट करते हैं। DEL DTF.average, सॉरी ये डॉट नहीं, इस तरीके से देना पड़ेगा एवरेज ये। अब मैं DTF को करूंगा तो उसमें एवरेज नहीं आएगा, सिर्फ पॉपुलेशन आएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट जो हुआ वो एक्सेस नहीं हुआ, जो हमारा डिलीट हुआ है जो कॉलम, वो यहां पर दिखाई नहीं दिया कि कौन सा कॉलम था। अगर हमको जो डिलीट किया हुआ कॉलम है उसको रिटर्न भी चाहिए तब हम यूज करेंगे ड्रॉप। तब हम क्या यूज करेंगे? ड्रॉप। तो पहले अब हम DTF को बना लेते हैं यहां पर दोबारा से, नहीं DTF 2 बनाया तो था, ध्यान होगा आपको, अभी पहले ही मैंने DTF 2 बनाया था, DTF 2 उसमें भी ये चीज है। अब यहां से मैं एवरेज को ड्रॉप करता हूं, यानी कि DTF 2 डॉट ड्रॉप और ब्रैकेट के अंदर मैंने पास किया DROP
और ब्रैकेट के अंदर मैंने पास किया ये एवरेज, सॉरी लिस्ट के फॉर्म में पास करना है एवरेज, बस एक ही ये मैंने ड्रॉप किया, सॉरी कुछ गलती हुई, एक्सेस इक्वल टू वन भी देना है साथ में, इसका जो ड्रॉप का पीछे वो था उसके साथ कॉमा ए एक्स आई एस इक्वल टू वन। ये देखिए ऊपर आपने गौर किया होगा कि जब मैं डिलीट कर रहा था, डिलीट करने के बाद उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मुझे डी टी एफ को प्रिंट करना पड़ा, ठीक है। इसने जो डिलीट करने के बाद जो टेबल सॉरी जो डेटा फ्रेम था उसको रिटर्न नहीं किया था, हमको स्पेशली ये प्रिंट कमांड चलाना पड़ा था, प्रिंट मतलब उसको जो डेटा फ्रेम है उसको डिस्प्ले करना पड़ा। यहाँ देखिए ड्रॉप के चलाते से ही हमारा ये डिस्प्ले हो गया, मतलब हमको डिस्प्ले अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस यही एक डिफरेंस है ड्रॉप में और डेल में। अब हम लोग देखते हैं डेटा फ्रेम में इटरेशन कैसे करते हैं। डेटा फ्रेम में इटरेशन, इटरेशन का मतलब है कि डेटा फ्रेम के हर वैल्यू को एक्सेस करना और उसके ऊपर एक मीन्स प्रोसेस करना, ये इटरेशन कहलाता है। इटरेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो ये जो प्रॉपर्टी है आई टी आर रोज, ये वाली आई टी आर रोज, मैं इसमें से पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो आई टी आर रोज है ये क्या करता है, रो वाइज सबसेट को देखता है, और आई टी आर आइटम्स है ये कॉलम वाइज सबसेट को देखता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर एक पांडास इंपोर्ट किया गया है और इसके बाद इस तरीके से एक ये बनाया हुआ, ये हम लोग ध्यान है अभी हम बना चुके हैं इसको, इस तरीके का एक हम लोगों ने डिक्शनरी बना के फिर हम लोगों ने डेटा फ्रेम बना के रखा हुआ है। तो चलिए उसी को हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल ओ, नहीं ये नहीं है, फिर से कंट्रोल ओ, वेरिएबल ऑफ डेटा फ्रेम, हाँ ये वाला है, इसी को हम लोग रन करके एक बार देख लेते हैं। ये हमारा रन हुआ, ठीक, पीछे वाले में क्या था, ये डी टी फी था, डी टी एफ डबल ई, ये डी टी फी आ गया। अब हम लोग इस पर अपना ये प्रोग्राम चलाएंगे, क्लियर है। तो प्रोग्राम चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं फॉर, यही कर लेते हैं, इंटरेक्टिव मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर रो कॉमा रो सीरीज इन डी एफ डी टी फी, ठीक है, डी टी फी डॉट आई टी ई आर आर ओ डब्ल्यू एस, और ये फंक्शन लगाया और ये मैंने कोलन लगाया। तो देखिए मैं कमांड लाइन पे नहीं पहुंचा, मैं इसके सीधे इटरेशन पे आ गया, प्रिंट रो इंडेक्स, रो इंडेक्स कॉमा आर ओ डब्ल्यू, और प्रिंट मैंने किया कंटेनिंग, कंटेन्स कर दिया, और इसको बंद कर दिया, और यहाँ पर आई इक्वल टू ज़ीरो दिया, और फिर से एक फॉर लूप लगाया, फॉर वेल इन रो सीरीज जो मैंने ऊपर यहाँ पर लिया हुआ था इसको ले लिया, और इसके अंतर्गत मैंने किया प्रिंट ब्रैकेट के अंदर एट आई और पोजीशन कॉमा वेल, और इसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, ये देखिए ये इसने आंसर दे दिया। इसका मतलब इसने क्या किया, जो हमारा ऊपर ये जो था इसको एक एक करके इसने प्रोसेस करना शुरू किया। सबसे पहले इसने दिखाया क्वार्टर वन, ये हमारा क्वार्टर वन उठा,
इस क्वार्टर वन में कंटेन्स एट जीरो पोजीशन 40,000। देखिए क्वार्टर में जीरो पोजीशन पे 40,000, वन पोजीशन पे यानी कि 42,000 और टू पोजीशन पे 43,000, यानी कि इसने एक एक वैल्यू को यहाँ से उठाया और प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग में चूंकि मैंने सिर्फ प्रिंटिंग डाला है इसलिए इसने सिर्फ प्रिंटिंग किया। अब क्वार्टर टू में ये देखिए, तो यानी कि इसमें हमने इटरेशन का मतलब ये हुआ कि हम इसमें एक एक वैल्यू को एक्सेस कर करके उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक तरीके से कह लीजिए कि जब भी कभी हमें स्क्रिप्टिंग में ऐसी ज़रूरत पड़े कि हमको इसके हर एक वैल्यू को प्रोसेस करना है तो आपको इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। अब आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए, वरना ये मैंने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ये देखिए प्रेजेंटेशन में मैंने इसका पूरा ये प्रोग्राम लिखा रखा हुआ है, आप इसको भी रन करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो वाला जो प्रोग्राम था इसको आप लोग रन करके ज़रूर देखिएगा, मज़ा आता है ऐसे प्रोग्रामिंग में। ऐसे ही ये जो प्रोग्राम है ये कॉलम वाइज देखने के लिए, अभी जो मैंने देखा था वो रो वाइज देखा था, मतलब एक क्वार्टर वन में किस तरीके से वैल्यू चली थी। मतलब पहले क्या था, क्वार्टर वन में पहले ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, इस तरीके से देखा था। लेकिन जब मैं ये वाला प्रोग्राम रन करूँगा तो इसमें ये 2015 यानी कि कॉलम वन में ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू प्रिंट होगी, देखिए। फिर कॉलम टू यानी 2016 उठाएगा, उसमें ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, यानी कॉलम वाइज चलेगा। पहले जो प्रिंटिंग हुई थी वो ऐसे हुई थी, लेकिन अब जो प्रिंटिंग हो रही है वो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो रही है। तो आप इसको रन करके देखिएगा, इसको टाइप करने में फालतू अब समय व्यर्थ नहीं करना है क्योंकि प्रोग्राम आपके सामने है ही, इसको आराम से आप रन करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो रन करके ही मैंने स्क्रीनशॉट इसके यहाँ पर लगा के रखे हुए। और ये एक आपका छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको असाइनमेंट के लिए करना है, हालांकि इसका मैंने सॉल्यूशन भी अगली स्लाइड में दे रखा हुआ है। तो ये प्रोग्राम आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें इस तरीके से ग्रेड बन जाएंगे आपके, 90% से ऊपर है या बराबर है तो A+, इस तरीके से आपकी ग्रेडिंग आ जाएगी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, इसको आप लोग रन करके देखिएगा। मैं आपको बना बनाया प्रोग्राम इसको रन करा के दिखा देता हूँ कि जैसे ये चार बच्चे हैं, चारों के मार्क्स दे रखे, परसेंटेज दे रखा हुआ है। अब हर एक का परसेंटेज के हिसाब से क्या ग्रेड सेट होना चाहिए ये है। तो मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर ग्रेड नाम से मैंने ये फाइल बना कर रखी हुई है, इसको जब मैं रन करूंगा तो देखिएगा, जैसे संजीव का 76, राजीव का 86, संजय का 55 और अभय का 54 है। तो इसको जब मैं रन करूंगा तो हर एक का ग्रेड आपके सामने आ जाएगा। देखिए पहले जो था बिना ग्रेड के था, और फिर जब इसको कैलकुलेट करने के बाद जब ग्रेड प्रिंट किया गया तो 76 और 86 की वजह से ए आया और इधर 55-54 की वजह से सी आया। तो ये ग्रेड कैलकुलेट करने का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपको मैंने यहाँ पर दे के रखा हुआ है। ये आप इसको आसानी से रन करके देख सकते हैं, बहुत मतलब मज़ा आया इस प्रोग्राम को बनाने में। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा फ्रेम के ऊपर कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। हम दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखिए, ये वाले डेटा फ्रेम्स मैंने पहले से बनाकर रखे हुए हैं, इनको हम लोग लेकर चलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये ऊपर मैंने यहाँ पर भी दे रखा हुआ है स्लाइड में। अब देखिए इसमें DF1 और DF3 करने पर, देखिए DF1 प्लस DF3 करने पर इसमें क्या होगा, 0-1 आपस में जुड़ जाएगा, 2 चूंकि मैच नहीं कर रहा है तो रिजल्टेंट में उसकी जगह थर्ड रो में नान आ जाएगा। देखिए नान आ रहा है, जो कॉलम हमारे मैच करेंगे, जो रो हमारे मैच करेंगे सिर्फ वही जुड़ेंगे, जो मैच नहीं करेंगे उनकी जगह नान आ जाएगा। जैसे DF1 और DF2 को जोड़ने पर इसके रो और कॉलम देखिए मैच कर रहे हैं, तो 1-10 में जुड़ के 11 हो गया, 20 में 2 जुड़ के 12 हो गया, इस तरीके से देखिए सारे कॉलम्स जुड़ के आपस में जुड़ गए। DF1 और DF4 को प्रिंट करने, मतलब प्लस को प्लस करने पर देखिए इन दोनों में रो हमारे मैच हो रहे हैं पर कॉलम मैच नहीं हो रहे, तो जो कॉलम मैच हुए उनकी तो वैल्यू उसने प्रिंट कर दी, बट जो थर्ड कॉलम था इसमें DF1 में, इसके साथ यहां मैचिंग नहीं हो रही तो वहां पर नान आ गया, नॉट अ नंबर, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं df1.df ये ऐड फंक्शन को प्रयोग करूँ, जो ऐड फंक्शन है, इसमें df2 कर दिया तब भी वही चीज़ आएगी, यानी df1 प्लस df2, ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, सेम चीज़ है, क्लियर है। ये जो df1 प्लस df3, इसको df1 प्लस add.add df3 करके लिख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। अच्छा, ये जो आपका df1.raddf2 है, इसका मतलब ये होता है कि हम df2 में df1 जोड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्लस में तो चूंकि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में असर पड़ेगा,
कि अगर मैं df1 में से df2 घटाता हूं तो अलग आंसर आएगा, df2 में से df1 घटाता हूं तो अलग आंसर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं 5 में से 4 घटाता हूं तो आता है 1, और 4 में से 5 घटाता हूं तो आंसर आता है -1। तो एक्चुअली r ऐड का मतलब हुआ रिवर्स ऐड, मतलब df2 में ये df1 को जोड़ेगा, मतलब ये पहले लिखा जाएगा ये बाद में लिखा जाएगा। तो एडिशन में इसका अंतर नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका अंतर समझ में आएगा सब्ट्रैक्शन में। ये देखिए df1 माइनस df2 किया, यानी कि df1 डॉट सब df2 किया, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, देखिए माइनस में आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं r सब करता हूं df1 डॉट r सब df2, इसका मतलब ये हुआ df2 में से मुझको df1 घटाना है, तो वैल्यूज किस में आई, पॉजिटिव में आई। तो r का मतलब यहां हुआ रिवर्स, रिवर्स सब्ट्रैक्शन, मतलब df2 में से df1 को घटाना है। तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं, इनको टैली करके देख लीजिए और रन करके भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की टेबल है, आप इसको भी आप लोग एक्सेस करिए और रन करके देखिए। ये डिवीजन का आपका पूरा एक सीक्वेंस मैंने बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको बनाइए और इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए। कुछ ज़रूरी फंक्शन जैसे इन्फो और डिस्क्राइब है। इन्फो क्या करता है कि किसी भी डेटा फ्रेम की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कितने इसकी रेंज इंडेक्स है, एंट्रीज कितनी हैं, कॉलम कितने हैं और उसमें क्या क्या डेटा टाइप रख रखे हुए हैं। और डिस्क्राइब क्या करता है कि टोटल काउंट कितना है ए कॉलम में, बी कॉलम में, सी कॉलम में, उनका मीन कितना है, स्टैंडर्ड कितना है, मिनिमम कितना है उसमें से, 25% उसका, 50%, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये रिटर्न करके दे रहा है। एक डेटा फ्रेम के बारे में सारे स्टैटिस्टिक्स आपको ये प्रोवाइड करता है। हेड फंक्शन क्या करेगा, जैसे ये df1 दे रखा हुआ है, अब df1 के साथ मैंने हेड किया तो टॉप 5 वैल्यू देगा ही, ये देखिए। df1 के साथ टेल करूंगा, सिर्फ टेल बिना किसी पैरामीटर के, तो लास्ट की 5 वैल्यूज देगा, लास्ट 5। अब यहां पर df1.head n equal to 3 करने पर ये शुरू के 3 देगा, df1.tail n equal to 4 करने पर लास्ट से 4 वैल्यूज को देगा, फॉर जो रोज को रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम हेड और टेल का प्रयोग कर सकते हैं, हेड मतलब शुरू से, टेल मतलब लास्ट से। क्यूमुलेटिव फंक्शंस के लिए भी हमारा जो डेटा फ्रेम है वो काफ़ी सपोर्टिव है। जैसे ये कम सम दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव सम, तो इसमें क्या होगा, 1 को 4 में जोड़ा, 4 को 7 में जोड़ा, इस तरीके से करके क्यूमुलेटिव सम हमारा ये देख दे दिए। डी एफ वन में अगर मैं ऐसे कम सम लगाता हूँ और एक्सेस रखता हूँ रोज को, तो ये 1 में 4 को जोड़ेगा तो आएगा 5, 5 में 7 को जोड़ेगा तो आएगा 12, इस तरीके से प्रिंट कर देगा। अगर मैं कॉलम के हिसाब से करता हूँ तो देखिए 1 को 2 में जोड़ा तो 3, और 3 को 3 में जोड़ा तो 6, इस तरीके से करके दे देगा, क्यूमुलेटिव करके आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो जहाँ ज़रूरत पड़े कि हमको क्यूमुलेटिव सम करना है डेटा फ्रेम में, क्यूमुलेटिव सम रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, तो ये आई डी मैक्स दे रखा है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर होगी डेटा 5 में रो वाइज, आई डी एक्स मैक्स और आई डी एक्स मिन, तो इस रो में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 700 है तो इसका ये 8 रिटर्न कर देगा। ऐसी बी में भी हाईएस्ट किस में है, 800 है, तो उसका 8 रिटर्न कर देगा। ऐसी सी में हाईएस्ट वैल्यू 900 है तो उसकी इंडेक्स आपको ये रिटर्न कर देगा। ऐसी मिनिमम वैल्यू की जो रिटर्न है, सबसे ए में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1, 1 का इंडेक्स क्या है 0, बी में सबसे मिनिमम कौन सा है 2, इसका इंडेक्स क्या है 0, ऐसे करके ये रिटर्न कर देगा। डेटा फ्रेम में हम लोग मिसिंग डेटा को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं, मिसिंग डेटा को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, मिसिंग डेटा को हम लोग फिल भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा df10 जो पीछे आया था, दो मिस को जोड़ के जो हमारा सी में नान आया था, हम नान को ड्रॉप भी कर सकते हैं, है ना। ये df10.dropNA, मतलब जो नॉट अ नंबर वाला था उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद जब आप df11 को देखेंगे तो आपको अच्छा इसने क्या किया, पूरा कर दिया ड्रॉप, इसमें कुछ पास नहीं किया तो पूरा ड्रॉप कर दिया, df11 में कुछ नहीं आया, एम्प्टी डेटा फ्रेम आया। df10.dropNA how equal to all, इसने कुछ नहीं किया, ये सारा का सारा एज इट इज इसने उतार दिया। df11.fillNA 0 करने पर क्या, जहां जहां नाम था वहां वहां क्या आ गया, 0 फिल कर दिया इसने, ये इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। डेटा फ्रेम्स हैं उनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे df1 और df2 है, इनको हम कंपेरिजन में लगा सकते हैं कि df1 is less than df2, तो ये ट्रू देगा। और अगर मैं करूँ df1 is less than 5, तो 5 के लिए देखिए ये ट्रू मिलेगा, less than 5 में ये ट्रू मिलेगा,
ये ट्रू मिलेगा, ये ट्रू मिलेगा, ये ट्रू मिलेगा, बाकी सारे फॉल्स मिलेंगे। आप इनको रन करके देखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए df1 greater than 5 लगाया हुआ है, तो देखिए 1 greater than 5 है क्या, फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, बट ये ट्रू हो गया, देखिए। ठीक है, तो हम इनके बीच में कंपेरिजन भी कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर भी लगा सकते हैं या फिर हम इक्वल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। df1 और df3 को जोड़ने के बाद डॉट इक्वल्स df3, df1 डॉट एड, तो देखिए यहाँ प्लस किया और यहाँ ऐड किया, चूंकि दोनों का रिजल्टेंट सेम आता है इसलिए डॉट इक्वल्स करने पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये था डेटा फ्रेम्स, और आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारे ब्लॉग को फॉलो करते रहिए www.pythontrends.wordpress.com। और इस चैप्टर की पूरी जो प्रेजेंटेशन है, जो कि आप इसमें वीडियो में देख रहे थे, ये उस पर अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो प्लीज़ डाउनलोड दैट, विजिट आवर वेबसाइट रेगुलरली। मैं डेली की डेली एक लगभग कोशिश करता हूँ कि डेली एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दूँ, आप इसको देखते रहिए। और हमारे YouTube चैनल का जितना प्रचार प्रसार कर सकें आप लोग करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब में फैलाइए। किसी को फालतू में कहीं ट्यूशन के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। तो मेरा नाम संजीव भदौरिया है, अगले उसमें फिर मिलते हैं, धन्यवाद।